यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं हैं और देश भर के 11 शहरों के 77 केंद्रों पर दो पालियों में ये परीक्षा होगी। तो देश भर के 11 शहरों में ये परीक्षाएं होने वाली है। अब से थोड़ी ही देर के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, देश भर के स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं और प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी अब से कुछ देर के बाद। पहले दिन दोनों पालियों में बताया जा रहा है कि 35,654 छात्र छात्राएं शामिल होंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रारूप में ये प्रवेश परीक्षाएं होंगी। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन इस पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। मोइन, क्या प्लानिंग है, क्या तैयारियां हैं, एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट करवाए जाएंगे, दूसरा क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बात करें तो इसका अपना एक रसूख है और इसी रसूख की वजह से इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट यानी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जहां एडमिशन पाना किसी भी छात्र के लिए एक बड़ा सपना होता है। तो बिहार के हों छात्र, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, इसके साथ साथ पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों से छात्रों ने अप्लाई किया हुआ है और यही वजह है कि कोरोना की वजह से इस बार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जो है वो प्रवेश परीक्षाएं कराई जा रही हैं। और दो छात्र ऐसे हैं जो विदेशों से बैठकर ऑनलाइन परीक्षा देंगे। तो आज पहले दिन तकरीबन 35,500 अभ्यर्थी जो हैं उनको प्रवेश परीक्षा देनी है और यहाँ पर एक एक सीट के लिए काफ़ी मारामारी है और सबसे ज़्यादा मारामारी जो है वो LLB के लिए है। LLB में एक सीट पर तकरीबन 47 से 48 अभ्यर्थी हैं, यानी 47-48 अभ्यर्थियों में से किसी एक का सिलेक्शन होना है। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनके जवाब देने होंगे और अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी और 1 नवंबर से वो शैक्षिक कैलेंडर शुरू होगा। कोरोना की वजह से खास एहतियात बरते गए हैं। पहले जिन कमरों में 60 से 70 बच्चे बैठते थे, इस बार 25 से 30 अभ्यर्थी ही बिठाए जाएंगे। सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो मास्क पहन करके आए जाएंगे और जिनको फीवर है या जो सिम्टोमेटिक अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं, विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि कोरोना काल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो अभिनव प्रयोग किए हैं, जैसे कुछ दिन पहले फाइनल एग्जाम कराए थे जो है, चाहे UG हो चाहे PG हो, सब ऑनलाइन हुए थे और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रवेश परीक्षाएं कराई जा रही हैं। अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे देश में, 11 शहरों में सेंटर्स बनाए गए हैं और ऑनलाइन जो परीक्षा होगी, ठीक है मोइन, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से परीक्षाएं होंगी और देश के अलग अलग हिस्सों जिसमें बेंगलुरु, दिल्ली, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, तमाम जगहों पर प्रवेश परीक्षाएं आपसे कुछ देर बाद शुरू भी हो जाएंगे। आपका मोइन इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।